Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to share with you a video regarding makeover of my drawing room wall with paintings, indoor plants and other decorative items. पहले मैं आपको अपने ये drawing room के ये wall दिखा दे रही हूँ, जो कि अभी हम makeover start करेंगे. पहले मैं आपको एक important बात बता देना चाहती हूँ कि indoor plants and paintings are the two important things जो आपके decoration को एक complete different and lively touch देता है. So let's start the video. So, पहले हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं. मैंने एक एरिका पाम प्लांट लिया है जिसको हमें वॉल के कॉर्नर पे रखेंगे, जो कि ये कॉर्नर को कंप्लीट कवर करेगा और एक अच्छा लुक भी देगा. अभी मैं एक मनी प्लांट ले रही हूँ जिसको मैंने बहुत दिनों से ग्रो किया है, तो इसको हम इस तरह से ये विंडो पे हैंग करेंगे और ये हमेशा ध्यान देंगे कि उसका जो प्लांट्स का जो लीव्स हैं वो सब हमारे तरफ फेस करें, तो ये अच्छा दिखेंगे और ओवरऑल एक अच्छे से लुक भी देंगे. अभी मैं एक पेंटिंग लूंगी जो कि मैंने बहुत दिनों पहले ये बनाया था, और ये पेंटिंग में बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो कि हमारी थीम को पूरा मैच करते हैं. तो हम इसको इस तरह से ये वॉल पे हैंग कर देंगे, जो कि ये कम्प्लीट अच्छा सा लुक भी देगा. और मैंने एक ड्रीम कैचर भी लिया है जिसका कलर येलो कलर है, जबकि इसके वॉल का कलर वाइट है. तो मैं वाइट कलर लेना चाहती थी, पर वॉल के कलर से वो वाइट कलर मैच नहीं होता, उस वजह से मैंने येलो कलर लिया है. तो येलो कलर ये ड्रीम कैचर को मैंने ये प्लांट के साइड के वॉल पे हैंग कर दिया है, और उसके ऊपर गणपति जी को हैंग करा है, क्योंकि वो जो हैंगिंग का जो ऊपर पार्ट है वो ना दिखे, उस वजह से मैंने वो गणपति जी से वो कवर करा है. और गणपति जी भी ग्रीन कलर का लिया है, तो कि वो प्लांट से अच्छे से रिजेंबल करें और ओवरऑल लुक अच्छा सा दे. अभी मैं एक पोर्टेबल एक्वेरियम लूंगी जिसके अंदर गोल्डन कलर के एंड रेड कलर के फिश से, जिसको मैं ये टेबल के ऊपर रखूंगी, और उस फिश से रिलेट करते हुए और एक आर्टिफिशियल फिश लूंगी जिसको मैंने ये गोल्डन कलर भी करा है, जो कि अंदर के फिश और बाहर के फिश को पूरा मैचिंग होता है, तो ये अच्छा भी दिखेगा. तो मैं ये टेबल के ऊपर जहाँ पे पोर्ट रखूंगी उसके साइड में ये वाला फिश रखूंगी, तो ये अच्छा दिखेंगे. और उसके साइड में मैं और एक जेट प्लांट दे रही हूँ, जो कि मैंने बहुत दिनों से घर पे ही ग्रो करा है, और वो वाला प्लांट का पोर्ट को मैंने थोड़ा ट्राइबल टच भी दिया है. मेरा वाला जो पेंटिंग मैंने ये साइड में वॉल पे हैंग करा है, वो वाला पेंटिंग पे भी मैंने कुछ ट्राइबल आर्ट करा हुआ है, तो उस वजह से ये वाला ट्राइबल टच उसको थोड़ा रिजेंबल करेगा, तो ये ओवरऑल लुक अच्छे से भी देगा. जो कि गोल्डन कलर का है, उसमें 4 चैम्बर्स हैं. इसमें आप डिफरेंट टाइप का माउथ फ्रेशन भी रख सकते हैं, जैसे कि अजवाइन हो, सौंफ हो, वो आप रख के वो टेबल के ऊपर रख सकते हैं. एंड उसके बाद मेरे डेकोरेशन पे ऐड कर रही हूँ. मेरे पास और एक मनी प्लांट है, और इसका जो पोट है इसको मैंने होम सेंटर से ख़रीदा था. इसका प्राइस आई थिंक 199 ऐसा कुछ है. तो अब इस पर मैंने अभी मनी प्लांट ग्रो किया है. ये बहुत दिनों वाला पुराना प्लांट, ये वाला प्लांट को मैं ऊपर रख दूंगी. ऊपर रखने के बाद ये वाला लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा. तो अभी मैं आपको ये कंप्लीट ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ.